आज पहला दिन था पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसा कि हमारे मौजूद मेहमान राशिद भाई पहले कह चुके थे कि सेम टीम होगी, पिच का बिहेवियर ऐसा होगा, तो मैं ये सोचा था कि 99.9% चलो बातें ठीक हो सकती हैं, 100% कैसे हो सकती हैं। बट देन मुझे लगता है कि फौरन बात का आगाज करते हैं वक्त जाया किए बगैर कि हमारे जो ओपनर्स हैं उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है। और कहीं ना कहीं आबिद अली को पहले सेशन के अंदर मैंने देखा, वो बिल्कुल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं थी। इमरान ऑन दी अदर हैंड मुझे लगा ऑन द कॉन्ट्रेरी काफी कॉन्फिडेंट थे, अच्छी शॉट्स भी खेल रहे थे, लेकिन हमें कहीं स्पिनर्स के अगेंस्ट डिफिकल्टी होती है लेडीज जेंटलमैन, इस बात में कोई दूसरी दोहराई नहीं है। लेकिन नॉट जस्ट दैट, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर बाबर के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको गेंदे गीली करा के उसको प्रैक्टिस कराई जा रही है लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, तो बाकियों को भी करा दें, या शायद बाकियों को कराई होगी, हमने नहीं देखी होगी। और अगर कराई जा रही है तो फिर ये कोचिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि यार ये क्यों नहीं ठीक हो रहे। अजहर को ही ले लेते हैं फॉर दैट मैटर, हालांकि उन्होंने कराची में अच्छा परफॉर्म किया था, मैच बचाने में उनका एक कलीदी करदार था, लेकिन बिल्कुल सीधी बॉल के ऊपर ही आउट हो गए और इसी तरह से वापस जाना पड़ गया। वो तो थैंक गॉड दैट वी गॉट बाबर आजम और फवाद, और हम मिडिल ऑर्डर के ऊपर ही हम हमेशा बात करते हैं, पिछले मैच की भी जब हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर और हमारे टेल एंडर्स ने हमें एक ऐसी हतमी पोजीशन पे पहुंचाया था जिससे हम वाकई मैच जीतने में कामयाब हुए थे। थोड़ी सी ऑन दी अदर हैंड अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी सी हार्ड लग रही, वो अपनी बैटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाहते थे, बट देन एक इंजरी हो गई, फिर वो जाहिर सी बात है जब आप फिंगर स्पिन करते हैं वो हो नहीं सकता। बट अब होगा क्या, बारिश की वजह से जो हमारा थोड़ा सा वक्त जो जाया हुआ है इसको हम कैसे रिकूपरेट करेंगे, क्या ये हमें वापस मिलेगा, ये एक टेक्निकल सवाल है। और हमारे पास यहाँ पे आई एम वेरी ग्लैड ऐसे लोग मौजूद हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड है और बहुत नॉलेज है क्रिकेट की, सेंस उनकी बहुत अच्छी है, 100% ऑन पॉइंट बात बताते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन माय राइट हैंड साइड, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर, बैट्समैन मिस्टर राशिद लतीफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? कैसे आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन ऑल द वे फ्रॉम कराची ज्वाइनिंग अस, द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, द फास्टेस्ट मैन हु हैज एक्चुअली स्टेप्ड ऑन दिस प्लेनेट, ही इज मिस्टर शोएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, हाउ आर यू? गुड टू हैव यू फाइनली बैक। तो मैं राशिद भाई से बात का आगाज करना चाहता हूँ। राशिद भाई, जैसा अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इंसान 99.9% ठीक हो सकता है लेकिन 100% नहीं ठीक हो सकता। आपको पिच अच्छा की भी जो आपने रिपोर्ट दी, हालांकि वो हमें नहीं देते, लेकिन जो आपने रिपोर्ट दी वो वैसी थी, फिर आपने जो टीम की बात की वो भी वैसी थी, तो ये एक्सपीरियंस ना आपने गाइड किया लोगों को पर्सनल वाले शो में। मुझे ये लगा कि हेड कोच की बात वैसे ही आगे पहुंचानी चाहिए बजाय इसके कि उसमें को रद्दे बदल किया जाए, तो हमने वही किया था। आपको क्या लग रहा है, अब बार बार हम यही बात कर रहे हैं, ओपनर्स का मसला आ रहा है और आता ही चले जा रहा है, ये कब ठीक होगा, क्या ये ठीक होगा, अभी ये नहीं होगा, या मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स पे ही रहेंगे? ओपनर्स का मसला, इमरान बट फिर आउट हो गए, लेकिन स्पिनर पे आउट हुए इस दफा, है ना, स्पिनर पे आउट हुए। अब बताएं आप, मैं आपको भी बता देता हूँ, इतनी सी देर लगी महाराज की बॉल पे आउट हुए, जाहिर सी बात है आबिद अली को थोड़ा सा मुश्किल बॉल हुई है और वो अपनी मुश्किल खुद डाल दी उन्होंने, तो मसला ये आएगा जो हमने पहले भी बात की थी, अगर ये रन नहीं करते खुदा ना खास्ता अगली इनिंग में, तो इमामुल हक, शान मसूद या कोई और ओपनर आएगा जो पहले खेला हुआ होगा, ठीक है, फिर हम सवाल ये करेंगे भाई कि वो क्यों ड्रॉप हुए थे। तो ये सवाल तो बनता है क्यों ड्रॉप हुए, क्यों ड्रॉप हुए थे, अब ये क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, या तो दो तीन ओपनर जो भी हैं उनको आपके लंबर रन दें और एक कमेटी बना लो यार, ओपनर की कमेटी बना लो, किसको हमें खिलाना है किसको नहीं खिलाना, तो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड टीम नहीं बनाई जाती, आपने परफॉर्मेंस पे लिया ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं सारे, लेकिन जब आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, बैलेंस आउट हुआ है बैट्समैन का, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम, जो आप बार बार यही बात कर रहे हैं कि ओपनिंग का प्रॉब्लम है, दुनिया भर में है, लेकिन हमारे अब ज्यादा लग रहा है कि होम सीरीज में भी हम रुक नहीं पा रहे। Exactly. और जहां पे हम ये बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम पिछले मैचेस में भी देखते हैं, तो यहाँ पे जिस हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पे वनडे के अंदर भी 400-450 का फट्टा लगता है और हमने खुद देखा भी है। शोएब भाई आपकी तरफ आता हूँ, क्यों मुसलसल हमें ये डिफिकल्टी हो रही है? ऑब्वियसली मैं आपसे बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने ओपनर्स के बारे में आपसे भी थोड़ी सी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि बल्ले के साथ तो आप भी बड़ा अच्छा खेल लेते थे। आबिद अली को प्रॉब्लम अभी से नहीं, ठीक है, पिछले एक दो सीरीज से हो रही है,
जी इंग्लैंड में हुई, टेक्निक में कहीं फंस रहा है, वहां की टेक्निक यहां पे, यहां की टेक्निक वहां पे अप्लाई कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है समझ नहीं आ रही उसको। कहते कुछ लोग कह रहे थे कि आबद अली अभी बेस्ट खेल चुका है क्रिकेट, नहीं पिछले दस साल, अच्छा ठीक है, उसका लास्ट हो रहा था जो लास्ट उसने सो 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 करता हुआ आया, एकदम अचानक इज लॉस्ट इन समवेयर इन द मिस्ट, समहाउ ये मैनेज नहीं कर पा रहा, समझ नहीं आ रही तो स्टक कैसे होना, मैंने खड़ा कैसे होना। टेक्निकली तो राशि भाई ज्यादा बात बेहतर बताएंगे, टेक्निकली उसको करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए उसके साथ, लेकिन होना ये नहीं चाहिए उसके साथ जो मुझे लगता है कि उसको ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर जैसे आबद अली को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, अब ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब यहां पे फर्म स्टैंड कौन लेगा? मोहम्मद असीम, नोइंग हिम आई एम श्योर दैट ही इज लुकिंग इनटू द सिचुएशन। देखें उसने आते साथ ही उसने हिलजुल तो मचाई आपके लिए, उसने ये तो किया ना, नए लड़के आए, नुमान है, साजिदा है, फलान है, नुमान है, फलान डमकान, सारे हिलजुल डाली उसने, ठीक, जो रिफ्रेशिंग चेंज से कह सकते हैं आप, बिल्कुल हुई, बिल्कुल ठीक है। उसकी नतीजा निकला इमरान भट्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चा ऐसा समझ नहीं सक रहा जो शॉट्स खेल रहे हैं, इसको कहां स्कोरिंग शॉट्स हैं, विकटें क्या डिमांड कर रही हैं, आपकी टेक्निक क्या डिमांड कर रही है, शायद थोड़ा सा पजल हुआ। हालांकि इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरह खेलता इमरान भट्ट तो मुश्किल होती ना उसको, लेकिन वसीम का जहां तक ताल्लुक है वो उसको ड्रॉप नहीं करेगा आबद अली को। हाँ अगर ऑप्शन के तौर पर राशिद की बात, जिनको पहले को पहलो में से किसी एक को जो ड्रॉप किया है उसकी जस्टिफिकेशन अब देनी पड़ेगी, वहां पर वसीम फंसेगा, एक को तो लाना, एक खब्बे को तो लाना ही पड़ना है, दैट आई गारंटी यू राइट नाउ, एग्जैक्टली। सो वो इसे खब्बे को जस्टिफिकेशन क्या देंगे, इमरान भट्ट ने बहुत अच्छी दी, दो टेस्ट मैच ही तो खेले, चार इनिंग्स ही तो है, यहां तो चार साल खेले हैं पाकिस्तान के लिए, लोग चार चार साल खेले हैं, मैंने देखा है और मैं चुप बैठा रहा, देखता रहा ड्रेसिंग रूम में, खिलाते रहे मैं, क्यों तो प्लेयर बनाना है हमने उसको, और फिर बाद में प्लेयर बने, बने चार साल, बने चार साल, एक तो दस साल कैरी हुआ है। आगे चले, मैं आगे चलता हूँ जी। अब सबसे पहले हम करते हैं कि हम फॉलो विकेट्स दिखाते हैं, जिसमें राशिद भाई से हम पूछेंगे टेक्निकली क्या गलती है आबिद अली की, अगर हम बात करते हैं या हम इमरान भट्ट की बात करते हैं, और फिर हम भाई ये पूछेंगे कि क्या साउथ अफ्रीकन ने, या वेरी गुड कैच, अच्छी बॉल कैच, देखें ना इससे साइड ऑन और फ्रंट ऑन कीपर का भी होता है, ये देखें इसकी पोजीशनिंग, देखें कीपर की ये बॉल तो थी अच्छी, ये बहुत आगे चले जाते हैं अभी आसिम के प्लेयर, हालांकि डीआरएस वगैरह है, ये एयर में आगे चले गए, फिर भी कैंची है, फिर भी कैंची, देखो पांव फिर भी टेढ़ा पड़ रहा है, लाया उसने बीच में से टेंशन सीधा किया उसने, पढ़ने के बाद फिर, ओ वाह यार, इसको हम देखेंगे इसका शेप, ये जो बॉल इस बॉल पे आउट नहीं हुआ है, पिछले दो पे हुआ होगा, पीछे तीन चार जो बॉल हुई है ना, वो तीन जो चार बॉल हुई है, गुड कैच, तीन चार जो बॉल हुई है उसके ऊपर, यानी ये जो आउट होने का जो मंजर देख रहे हैं अभी आप, उस वजह से आउट, लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शेब भाई, जैसे इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका ने अपना बॉलिंग अटैक थोड़ा सा जो है वो वीक किया, यहीं से पास से लिया पीछे एक कमरे से, इन्होंने अपने बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा डिफिकल्टी, यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है दोनों टीमों की तरफ से फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी तरफ से रबाडा, देखिए आज इतना लूप दिया कि लगता है आसमान से बॉल छोड़ा था मिस्टर महाराज साहब, और लग के डॉस करके इतना ऊपर आया है, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था रबाडा से कि यहाँ पे थोड़ा सा इफ दे ओपनिंग द बैट फर्स्ट विच इज पाकिस्तान, वहाँ थोड़ा बहुत मुझे रबाडा से चाहिए था, और दूसरे अपने मलंडर भाई हैं नहीं वो भी कर रहे थे ना? सर वो पहले वो बारह से पहले ही आ गए थे, मल्डर सर वो भी आ गए थे, बारह से पहले वो भी आए, तो उसने बॉल भी पकड़ा, मैं कह यार अब मजा आएगा थोड़ा सा देखने, नोटिस भी गया थर्ड चेंज में, तो मुझे मजा आया, वो तो एंडरसन की तरह भाग रहा था जब वो आया है, तो मैं देखा कीपर आगे खड़ा हूँ, कमांड नहीं लग रही है ना,
इस तरह खेल रहा था ना साल पहले। वाह ये बहुत आला। सेटअप किया तो है, सेटअप भी है, लेकिन यही अगर साल पहले इसको बॉलिंग कर रहे होते तो ये क्या क्या खेलता है राजेंद्र? देखिए दोनों पांव एयर में आ गए, इसका मतलब बैलेंस आउट हुआ हुआ है आपका। हाँ। बैलेंस रिलीज पे ही आपका जब खराब होगा तो आप जब बल्ले से खेलेंगे उस वक्त आप एयर के अंदर होंगे या आपका मिनिमम पार्ट आपका जमीन से लगा टच हो ग्राउंड से टच होगा। एग्जैक्टली। तो रिलीज के ऊपर देखना चाहेंगे अगर कि लास्ट वो ये फॉलो विकेट में आबिद अली को आखिरी बॉल दिखाएं। हाँ जी फॉलो विकेट में हम आबिद अली की आखिरी बॉल दिखाते हैं। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन विल एक्चुअली हेड आउट टुवर्ड्स द शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ जब आप वापस आएंगे हम वो आखिरी बॉल भी दिखाएंगे और फिर उसके बाद कुछ बातें यहाँ पे बनती है साउथ अफ्रीका के एंड से भी। बट आई थिंक दैट वाज अ डिफिकल्ट डे फॉर देम, दैट्स व्हाट इट इज। वी गोइंग फॉर जाने से पहले हमारे प्यारे मेहमानों ने हमसे डिमांड की थी कि हम आबिद अली की एक आखिरी बॉल दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं दिखाऊं दो चार चीजें और ऐड कर देता ताकि हम उसके ऊपर भी मजीद तबसरा कर सकें कि पिच के ऊपर आज भी बॉल ब्रेक हो रही थी। हमारे हाथ से निकल गया है ये अपने लेके आता है कंटेंट, कोशिश कर ये बेचूंगा। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी नाम होगा। लेकिन जो पिच है वो पहले दिन के हिसाब से खवतीनों से ब्रेक हो रही है, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को अभी से बेस्ट होगा ब्रेक देना चाहिए। चौथी बहुत फर्क होता है ब्रेक होने में और ग्रिप करने में, ठीक है शोएब सही बता सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सुबह थोड़ी सी ग्रिप करती है, फास्ट बॉलर की भी सीम होती है और स्पिनर की भी ग्रिप करती है, तो आपको लगता है टर्निंग पिच है। बिल्कुल, लेकिन बाद में जब बॉल सेटल होती है उसके बाद वही बल्ले पे लग रही है। एक तो छक्का या चौका बाबर ने आधी विकेट की बॉल की निकल के जो मारा है, तो जब टर्निंग पिच होती है ना तो वहां पे कोई भी निकल के ऐसा नहीं मारता। ये मैंने भी सोचा था। वैसे आपके ख्याल में जो पिच का बिहेवियर था, आपको लगता है कि चौथे दिन जब फर्ज करें अगर साउथ अफ्रीका चौथे इनिंग में बारी करता है तो फिर नुमान और यासिर मुझे लगता है कि वो काफी डिस्ट्रॉय कर सकते साउथ अफ्रीका को। क्या कर सकता है चौथी इनिंग्स में? चौथी इनिंग्स में जब साउथ अफ्रीका की बारी होगी तो इसलिए नुमान और यासिर बड़े क्रूशियल होंगे उनके अगेंस्ट। जब परसों दूसरी बारी होगी उनकी तो दूसरी हाँ दूसरी बारी की बात करें तो क्रूशियल होगा ना। पाकिस्तान पे 450 टांगे कल शाम तक छोड़े, ठीक है आए फिर हम आखिरी बॉल पे नजर डालते हैं। 450 टांगे खत्म करें, 450 तो मुश्किल मुझे लगता है 350 हो सकता है ये आखिरी बॉल आगे। ये देखे ना इसमें थोड़ा सा अभी बैलेंस आउट होता है, उस पर जब रिलीज करेंगे ना थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, जब रिलीज होगी तो इनके पाँव आगे आ रहा होगा तो ये जब आगे पाओ ये रिलीज हो चुकी है, अब ये आगे क्यों आ रहे हैं? अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ है आगे क्यों जा रहे हैं? तो ये ब्लॉक हो गए, अब पीछे समझे दीवार है, अब पीछे जा नहीं सकते, अब दोनों टांग मतलब कि इनकी एयर में चली जाएंगी। कर दिए पूरा दिखा दीजिएगा इनको, ये या तो यहीं से या छोटी पुल मारें। अब बैलेंस है नहीं बिल्कुल भी, बैलेंस के लिए इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये पहले रन के लिए जाते थे, हिट मारते थे, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ को बॉल को मारते थे। इससे पहले दो बॉल जो दिखाई थी वो अगर आप देखेंगे पॉइंट बाहर होगा और मिड ऑफ होगा तो वहां पे आपको एक रन आराम से मिलता है। आप डेड बॉल बैट के साथ एक रन ले रहे हैं, वो डॉट बॉल खेल रहे हैं। जब आप डॉट बॉल खेल रहे हैं तो बॉलर को ज्यादा बॉल अपने ऊपर करवा रहे हैं। उसने एक शॉर्ट ऑफ लेंथ की जो आपने जाने दी, उसके बाद फिर आई थोड़ी सी अंदर हुई जो ग्रिप की है बॉल चैन, तो क्या है आपका बैलेंस आउट हुआ। इस पर रन बना, रन जब तक नहीं बनाने, ये पहले रन बनाते थे। अब दोनों टेस्ट मैच निकाल लें जहाँ पे यहाँ सेंचुरीज की हैं कराची और यहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ, तो ये ब्लॉक किया अपने आप को, ये नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो गए। और ये काफी एविडेंट भी है, दो शॉट्स जो इस पर रन बनाते हैं राशिद भाई की बात को फॉलो कर लो आप। बिल्कुल, किस दो शॉट्स क्या खेलता था? शॉर्ट ऑफ लेंथ हुई कहाँ मारता था? मिड विकेट पे कट, इसकी फेवरेट शॉट नजर आई कहीं पे कट पूरी न्यूजीलैंड से लेके अभी तक बिल्कुल नहीं लगा। वो अपने गेम को छोड़कर वो गेम अडॉप्ट कर रहा है कि मैं जरा वो बन जाऊं, ये वेल लेफ्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं भाई। इसकी स्ट्रेंथ रन बनाना थी, उस पे हटा तो फंसना शुरू हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन अब शोएब भाई जो साउथ अफ्रीका के एंड से हम बात करते हैं कि उनके पास दो ही स्ट्राइक बॉलर्स हैं, आपने भी पहले मेंशन किया कि ये मार के बॉल कराने वाले हैं, जिसके अंदर से अभी एक जगह हम इसकी बात करते हैं लिंडे की, तो वो ऑब्वियसली वो इंजर भी हो चुका है, तो और आप देख रहे हैं कि महाराज को ज्यादा ओवर्स भी कराने पड़े हैं, तो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका यहाँ से कम बैक कर सकता है अगर हम इनके बॉलिंग अटैक की बात करते हैं? देखिए आपने खाली पहला घंटा सर्वाइव तो नहीं कह सकते, बाबर बहुत तेज है शार्प है। वैसे मैं देख रहा था कि अगर बाबर और फवाद आलम में किसी को फॉलो करना हो तो यंगस्टर किसको फॉलो करेंगे? बाबर को फॉलो करेंगे ना, बाबर को भी कर सकते हैं, बाबर को फॉलो करेंगे ना, स्टाइलिश है ये वो है, ऊपर से तेज भी है, बिल्कुल उसने सिचुएशन पकड़ ली है। लेकिन जो दिमाग है जिसके पास ज्यादा
225 बॉलें खेल गया, किसने? फवाद ने। उसने तका दिया, दूसरे रन बना लिए। उसने कितने 200? यहाँ पे एक सवाल बनता है सर, 138 बॉलें, ठीक है? हमारे ओपनर तो जल्दी आउट हो रहे हैं, फवाद के ओपनर बनते हैं, ओपनर जल्दी आउट हो रहे हैं हमारे, अजहर भी जल्दी आउट हो गया, ये फवाद अगर ना हो बीच में तो हमारा क्या बनेगा? वो हम नहीं, हम इसके बगैर बड़ा अच्छा करते, 150 करते, एक तो थकार है वो फवाद, थका तो रहा है। देखें आप चाहे आप टीवी देखने वाले हैं आप भी थक रहे हैं, आप मेरी बात समझे, कितनी मूवमेंट कैप्चर करूं मैं उसकी, अंपायर भी थक रहा है, बॉलर भी थक रहा है, और हर बॉल पे ये लगता है अभी क्या, लेकिन वो जाता नहीं उसको गेम अपनी पता है, उसको ये पता है मेरे रन्स कहाँ बनाने हैं, शॉट लगे ना लगे उसको अपने रन्स पता है कहाँ बनाने हैं, एक बात। दूसरी बात, वो स्टेबिलिटी इस सूरत में लेके आया कि जहाँ बाबर आजम को कहा भाई साहब आप अपने 70 पर चल कर, गेम सारी इधर है, लेकिन लगेगा नहीं अच्छा खेलते हुए, लेकिन बाबर तेज है, आया सुजन की देखा बॉल बनाना सेटल हुआ, दस 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 शुरू हो गया, ठीक है ना, वो अपनी स्पीड से जा रहा है, 138 जा रहा है, वो अपना 700 करेगा यहाँ पे, और यही 150 करना चाहिए उसको, या शायद 200 करो अपना, मेरी ये ख्वाहिश 200 करे अपना और पाकिस्तान 450-500 करके ख़त्म करे, लेकिन इन दोनों की सेंचुरियाँ मुझे होती नज़र आती हैं, क्योंकि कल अगर ये सर्वाइव करते हैं दोनों तो ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका टीम को बिल्कुल थका कूदेंगे, थकाने होने के बाद उसके बाद कहेंगे पूछेंगे हमने आपको कितने रन कर दिए और कितनी देर में कर रही है, पाकिस्तान डिसाइड करेगा। दिस इज अ वेरी 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 सैड सिनेरियो फॉर साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका 93 में उतरती है पाकिस्तान, आपको याद ही होगा, है नहीं? प्रॉब्लम थी ये साउथ अफ्रीका उधर 2021 में हमारे पास उतरती है यार, इट इज अ रियली रियली सैड सीन टू सी कि यार ये इस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि बेचारे सोच रहे हैं, खेलते हुए सोच रहे हैं फ्लाइट कब की है, और जाना कब है, जो है वो ये आखिरी मैच है एज अ कैप्टन, अल्लाह करके पाकिस्तान ने होम सीरीज तो पकड़ी, बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम तो बाहर की हमें, एग्जैक्टली बाद में आते, चलो यहाँ तो पकड़ी, पहले ये 2-0 हो लेकिन 2-0 कर भी लें, न्यूज दे रहा हूँ इस बार फिर भी नहीं रहता, नहीं है उनको बता रहा हूँ, एक बार राशिद भाई मैं तो केस बना रहा हूँ, रुकना है उसको, एग्जैक्टली मैं तो केस बना रहा हूँ, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कहते हैं सर आप निकालने के चक्करों में, मैं बचाने के चक्करों में, आप तो समझिए बात ये है कि वो डिसीजन हो गया, अच्छा कहते हैं जिसका आप नाम देने सर उससे बात नहीं हुई, मैं कहा बात तो हुई ना, बात तो हुई ना, तो आपने खेलते खेलते हुए एक बंदा कोचिंग करते वक्त आपने क्यों बात की, ये बात भी ठीक है ना, अगर है डॉक्टर नवान ने आज शिजाद से क्यों बात हो रही, लेकिन वैसे अब शिजाद है तो नवान से क्यों बात हो रही, वो उस्तादों के उस्ताद है, लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं कह रहा चाहता हूँ राशिद भाई, आप इसमें मुझे सेकंड करेंगे और आपको करना भी चाहिए, नहीं नहीं करूंगा, शोएब भाई ने यहाँ स्टूडियो में बैठ के हमें बोला कि एक एवरेज बंदा एवरेज ही, रोजाना खबरें चेंज होती है, उसको वाली वो खबर दी, नहीं लोग कह रहे हैं केस बना रहा हूँ कि उनको ना भेजा जाए, लेकिन ये तो आप ही के अल्फाज है ना, एक एवरेज इंसान एक एवरेज डिलीवरी देगा, वो किसी भी किस्म की वो कोचिंग में आप बात कर ले, वो आप चीफ सिलेक्शन में बात कर ले, जी 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 आज तो फिर आप स्पेसिफिकली मुझे हिट आउट करें जरा, आप जरा मैं बात करता हूं जी, आप हिट आउट करें मुझ पर, मैं फिर आपको जो आपकी ये अल्फाज हैं आप ये कहा, नहीं नहीं आप अपने मेरे अल्फाज सुने, आप कहें जी आपने ये कहा था, आप हिट आउट करें, मैं यही कह रहा हूं, आपने ये बात की थी कि यार एक एवरेज इंसान से आप एवरेज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस ये आपके जब ठीक है हो गया आपका सवाल पूरा, खेल किसके खिलाफ खेल रहे हो, कौन किसके खिलाफ खेल रहे हो, पाकिस्तान किसके खिलाफ खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका के, टीम अच्छी है, टीम आप बिल्कुल ठीक लग रही है, बनाया क्या है, विकेट क्या बनाई है, विकेट जो हमें चाहिए थी ड्राइव, स्टूडियो में जो मर्जी बना के आ जाऊं मैं एक सेकंड में निकलने दूं किसी को, ठीक है बिल्कुल ठीक है, अब पागल हो गया है, ये तो 100 रन भी नहीं करती साउथ अफ्रीका, ये राशिद भाई और रंजी भाई ये वसीम भाई को दे दो टीम, ये टीम खबे का दे दो विकेट दे दो, अपनी मर्जी बना वो 100 ना करने दें, अभी तो वसीम वकार नहीं भागे इस विकेट पे, तो दो स्पिनर सकलैन और मुश्ताक भाई होते ये 100 नहीं करती ये टीम उस बॉलिंग के खिलाफ, अभी तुम्हारे फास्ट बॉलर ने रन नहीं किए, एग्जैक्टली तो एवरेज मिसबा नहीं एवरेज ही है, अच्छा ठीक है मेरा ख्याल है, हाँ जी जी आगे चल, ये नहीं सेटल हो गया, आप सेटल नहीं सेटल हो गया, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मैं तो न्यूज़ दे रहा हूँ कि वो भी कह रहे हैं कि जी अपने मिसबा को अभी भी नहीं रखना, ठीक है
फिर क्या वजह क्या है अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं फर्ज साउथ अफ्रीका के गेस्ट के ब्रीदर मिलेगा ब्रीदर मिला ना अच्छा ये ब्रीदर है ये फॉर्म को ब्रीदर नहीं मिला ये मैनेजमेंट को ब्रीदर मिला अच्छा चले जी आते हैं मेरे ख्याल में बाबर की बात हो रही थी उस पर वापस फोकस करते हैं बाबर की उमदा इनिंग्स और यहां से वापस कमबैक किया पाकिस्तान ने वरना ओपनर्स पे रहते तो शायद हम कहीं पे भी ना रहते एग्जैक्टली राशि भाई प्लीज बहुत राशि जी थोड़ा सा ना ये जो बीच से करता ना मिडिल लेग से महाराज इसका ड्रिफ्ट हो जाता है बॉल अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पे रखे ना थोड़ा सा टर्न पे रखे बाउंस मिल रहा था इसको और फिर स्लाइडर दे बीच में देखिए ये बहुत बाहर से कर रहा है यहाँ से अगर आप इसको वाइड ऑफ द क्रीज भी यूज करें ना इसको तो बहुत बाहर से कर रहा है यहाँ बाबर इसको तो स्लॉटर कर देगा बहुत अच्छा खेलते हैं यार ये स्लॉटर कर देगा यहाँ पे इसको That's a good shot for Babar Azam found the gap वो जो उनकी बाहर निकलने वाली शॉट थी ये बॉल हो गया बहुत अच्छा रीड गेम ये बहुत दूर थी बहुत दूर बॉल थी ये बहुत बाल बॉल बुरा नहीं था बहुत दूर थी ब्यूटीफुल तो फॉर्म सेट हो गया मुल्डर भाईजान ये मेरा फेवरेट बॉलर है कसम मजा आया आज इनको देख के शॉट ब्यूटीफुली प्लेड क्रिएटेड हिज ओन लेग बॉल अच्छी आफ्टर लंच बहुत अच्छी बहुत अच्छा खेला बहुत साफ खेला लेकिन स्कोरिंग रेट इसका बहुत अच्छा इसको पता है ये देखो शॉट रोक रहा है अब यही बॉल है आप बता नहीं को हुआ और बाबर ने भी कोई इतना मजे का वो जो स्क्वायर खेला है इसने वो भी ऐसे ही मार दी ठीक तू भी चला दे भाई चलाओ तो सही चलो भी चला दे बाबर जगह दे रहा है इस पिच पे देखो इन पिचेस पे आपको बहुत बहुत सारी विकेट कवर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ से ये ओपन ये फंसता है अपने अपने आप को ओपन करता है ये फंसता है इंडिया ने ना अगर सुबह ओ वेल डन साउथ अफ्रीका और एक और यहाँ पे मजेदार बात है जो ऑब्जर्व करने की वो ये है कि हमारी टीमों में अक्सर जब कप्तान बनाया जाता है तो कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है आई थिंक बाबर को इस बात की क्रेडिट जाता है कि एज अ कैप्टन उनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं हुआ आज उनका ये बेहतरीन कमबैक था मुझे लगता है क्योंकि पिछले हमने दोनों दफा देखा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए बट विद दैट बीइंग एक्चुअली गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक डोंट गो एनीवेयर जब वापस आएंगे फवाद की बात भी करेंगे और पाकिस्तान अगर 350-400 रन कर लेता है तो क्या हम एक सेफ साइड क्यों 350-400 करता है 500 क्यों नहीं करता ये छोड़ेगा फवाद आलम आप क्या बात कर रहे हैं अब पता है अगले तीन टेस्ट मिले ना मिले बाकी सीमेंट करना है भाई जी गले में अटकना है आप देखना पड़ेगा मुझे टीवी पे अच्छा लगू ना लगू वंडरफुल यहाँ पे खवातीन और हज़रात माहौल बहुत खुशहाली है उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की अभी सिचुएशन ऐसी है कि लग रहा है कि इंशाल्लाह ये टेस्ट मैच भी हम जीत जाएंगे सीरीज जीत जाएंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो ये दूसरी सीरीज होगी जो पाकिस्तान जीता होगा इससे पहले 7 सीरीज साउथ अफ्रीका जीता और 4 ड्रॉ हुई हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि गेम तो ऑन है।